आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू स्पेस रिसर्च के अभिमन्यु ड्रोन के बारे में। देखिए, न्यू स्पेस रिसर्च को लेकर बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है और ये चीज हम लोग सभी जानते हैं कि ये एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी है जिसने ड्रोन्स की दुनिया में बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है और पिछले कुछ समय से इन लोगों की तरफ से मैन मशीन टीमिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया गया है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले LCA तेजस एज एन मदरशिप और उसके साथ में कॉम्बैट एयर टीमिंग वाला कॉन्सेप्ट रिलीज किया गया था और इस कॉन्सेप्ट के पीछे HAL के साथ साथ न्यू स्पेस रिसर्च थी। कॉन्सेप्ट्स के नाम थे कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस में हैं, कई जगहों पर प्रोटोटाइप टेस्ट किए जा रहे हैं और कई जगहों पर कॉन्सेप्ट को फर्दर मॉडिफाई करके और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ किया जा रहा है अभिमन्यु के केस में। अभिमन्यु एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है और इसको रिसेंटली रिलीज किया गया है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इसी को प्ले किया जा रहा है, लेकिन वीडियो में आगे चलकर हम लोग इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कैट्स वॉरियर के बारे में। आप सभी को याद होगा जब LCA तेजस मदरशिप के साथ में कैट्स वॉरियर रिलीज किया गया था और ये एक लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट था, लेकिन कैट्स वॉरियर कॉन्सेप्ट में ये एक स्टेल्दी लॉयल विंगमैन ड्रोन था और इस प्रोजेक्ट के ऊपर इस समय काम चल रहा है। लेकिन जब बात आती है स्टेल्दी डिजाइन की तो उसके साथ में ऐड होती है कॉस्ट, और जब आप डिस्पोजेबल सिस्टम्स की बात करते हैं तो कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। देखिए, मैन मशीन टीमिंग में जो अनमैन्ड सिस्टम्स होते हैं उनको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि इनकी कॉस्ट कम हो, और अगर एनिमी इनको मारकर गिरा भी देता है तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली ये एक्सपेंडेबल सिस्टम्स होते हैं और इसी वजह से अगर आप कैट्स वॉरियर की बात करें तो कैट्स वॉरियर इतना ज्यादा लो कॉस्ट सिस्टम नहीं होगा और ये एक्सपेंडेबल तो नहीं होगा। इसके अलावा न्यू स्पेस रिसर्च की तरफ से कुछ समय पहले TIA-AV नाम का एक कॉन्सेप्ट रिलीज किया गया था जिसका मतलब है टैक्टिकल इंट्रोडक्शन एंड अटैक एयर व्हीकल। ये सिस्टम लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम होगा। इसकी क्रूज स्पीड 170 किलोमीटर पर आवर की होगी। 6 घंटे तक की यह एंड्यूरेंस देने में सक्षम होगा और 400 किलोमीटर की दूरी पर यह अपनी टारगेट को मारने में सक्षम होगा। अटैक मिशंस के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदर करने में सक्षम होगा। इसके साथ साथ ये ISR प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करने में भी सक्षम होगा। लेकिन इमेजिन कीजिए कि इसका एक स्वार्म एनिमी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा है, लेकिन वहां पर एनिमी का फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है। ऐसे में या तो आपके मैंड एयरक्राफ्ट इस फाइटर जेट को एंगेज करें या फिर ये फाइटर जेट्स आपके इन ड्रोन्स को नष्ट कर देंगे। ऐसे ही सिनेरियोस को एड्रेस करने के लिए न्यू स्पेस रिसर्च की तरफ से अभिमन्यु कॉन्सेप्ट को रिलीज किया गया है। अभिमन्यु बेसिकली जेट पावर्ड होगा, यानी कि TIA-AV की तुलना में ये ज्यादा तेजी से उड़ने में सक्षम होगा, ज्यादा अग्रेसिव मनूवर्स कर सकेगा, इसके पास में पावर ज्यादा होगी, यानी कि ये ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने में सक्षम होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ पर 4 अलग अलग तरीके के सिस्टम्स दिखाई देंगे, डिकॉय, ISR प्लेटफॉर्म, कामाकाजी सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। यहाँ पर नोट करना जरूरी है कि अभिमन्यु कैट्स वॉरियर की तरह मिसाइल मारने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करके एनिमी एयरक्राफ्ट को गुमराह कर सकेगा और इसी बीच में ये दूसरे सिस्टम्स अपना पूरा मिशन कंप्लीट कर लेंगे। वैसे इस मोमेंट पर हम लोगों को ये पता नहीं है कि ये कितनी ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम होंगे, इनकी रेंज कितनी होगी और ये कितना डेंसली पैक्ड स्वार्म होगा। लेकिन अगर आप इसकी अपीयरेंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक 2 इंजन वाला सिस्टम होने वाला है और ये दोनों इंजन टर्बो फैन इंजन होने वाले हैं। यानी कि TIA-AV की तुलना में ये एक ज्यादा लंबी रेंज देगा, इसकी एंड्योरेंस ज्यादा हो सकती है, स्पीड नेचुरली इसकी ज्यादा होगी और इसकी फ्लाइंग एल्टीट्यूड भी काफी ज्यादा होगी। ऐसे में नेचुरली ये सिस्टम काफी ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है और क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट काफी ज्यादा कम होने वाली है, इस वजह से इसका प्रयोग भी काफी ज्यादा किया जाएगा। हालांकि इस मोमेंट पर ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या भारतीय वायुसेना ऑन बोर्ड है या फिर न्यू स्पेस रिसर्च की तरफ से ये इंडिविजुअल लेवल पर किया जा रहा है। ओवरऑल मैन मशीन टीमिंग फ्यूचर है और क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाती है, इस वजह से एक ज्यादा बड़े बजट वाली आर्मी के अगेंस्ट ये आपको इक्वल करने में सक्षम है और इसी वजह से भारत को यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।